सिनेमा की सबसे लोएस्ट बजट मूवीज जिनका बजट 50 करोड़ से भी कम था और उन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ डाले और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब जीता। उन मूवीज का नाम बताने से पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आप अपना नाम लिखोगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा। आप ये भी लिख सकते हो कि वीडियो कहां से देख रहे हो। तो इन मूवीज की लिस्ट के पांचवें नंबर पे आती है दृश्यम 2। इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आपको अजय देवगन, तब्बू जैसे कई बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी काफी अमेजिंग है। इस मूवी को ना इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इतना पसंद किया गया कि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड पे 343 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो इसी के साथ इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आती है द कश्मीर फाइल्स। इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आपको अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है जिसके अंदर कश्मीर के कई हिंदू मुस्लिम बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड के ऊपर 340 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और इस मूवी का बजट महज 20 करोड़ था जिसने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब जीता था। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे आती है द केरला स्टोरी। ये मूवी कई विवादों के बीच के अंदर चल रही है। ये मूवी जहां 132,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन पे जोर देती है और बताती है कि केरला के अंदर किस तरीके से हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके मुस्लिम धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। हाल ही में इस मूवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान आया है जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CY चंद्रचूड़ ने यह कहा कि इस मूवी के अंदर एक डिस्क्लेमर ऐड किया जाए और बताया जाए कि केरला के अंदर जो 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन का जो बयान था वो एक झूठ था और इस फिल्म को एक सच्ची घटना पे आधारित न होकर एक काल्पनिक कहानी के रूप के अंदर दिखाया जाए। अगर इस मूवी के बजट की बात करूँ तो इस मूवी का बजट महज 35 करोड़ है जिसने अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे 250 करोड़ से ज्यादा कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जिस मूवी का बजट महज 25 करोड़ था। इस मूवी की कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की सच्ची घटना पे आधारित है। ये मूवी एक देशभक्ति वाली मूवी है जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और मैं ये मूवी सभी को देखने के लिए कहूंगा बड़े से लेकर छोटे तक को। और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड पे 360 करोड़ कमा के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब जीता था। इसी के साथ इस लिस्ट के पहले नंबर पे आती है कांतारा। ये मूवी कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक मूवी है जिसका बजट महज 15 करोड़ था। इस मूवी के स्टार कास्ट के लीड रोल के अंदर आपको ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे। अगर इस मूवी की मैं बात करूँ तो इस मूवी के अंदर हर एक्टर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और इस मूवी ने अपने वर्ल्ड वाइड पे 400 करोड़ से ज्यादा कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब जीता था। खैर, आपको इन मूवीज में से सबसे बढ़िया मूवी कौन सी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।